हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्की लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे पानी भी भर चुका है। बारिश होने के कारण बहुत ही अच्छा और ठंडा ठंडा मौसम हो गया था, पर पानी भरने से काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हो रही थी आने जाने में यहाँ पर। आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा कि ये सब जगह कितना खाली है और अभी पूरा भरा हुआ है पानी से। देखें, और आपने पहले देखा होगा मेरे तुलसी माँ का पौधा, ये सूख गया था पर अभी अच्छे हो गए हैं, पर अभी बहुत छोटी हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं भुनने लगी हूँ भुट्टा, कॉर्न, मकई, जो भी आप कहिए। और बारिश के मौसम में सबसे अच्छा ये लगता है। किसको किसको बारिश में भुट्टा खाना पसंद है मुझे बताइएगा। वो आगे की तरफ थोड़ा सा मतलब खाया हुआ है, वो नेती ने खा लिया था। तो बस इसके बाद मैं शाम के खाने की भी तैयारी कर लूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी तोरी यानी नेनुआ, इसकी सब्जी। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ गैस ऑन करके रख दिया मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए। यहाँ पे मैंने सब्जी को भी काट लिया है, ये देखिए। और मैंने इसके साथ आलू काट लिए थे दो पतले स्लाइस में, क्योंकि ये सब्जी जल्दी पक जाती है तो इसमें बड़े आलू ना डालें। तड़के में ले लिया है प्याज और लहसुन और मिर्ची, जैसे मैंने पहले ही चॉप कर लिया था। और टमाटर ले लेंगे, उसे भी काट लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर लिया है और मेरे यहाँ शाम को ही दूध आता तो उसे भी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गई, अब ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल के गर्म हो जाने पे डाल देंगे जीरा। बहुत ही सिंपल सब्जी है तो इसलिए जल्दी बन जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन, मिर्ची, थोड़ी देर इसे पका लेंगे। हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज को थोड़ा अच्छे से भून लेना है जब तक हल्का कलर ना आ जाए। बस अब प्याज थोड़ा पक चुका है, फिर से इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम डाल देंगे आलूओं को। अब हम इसे एक बार मिला देंगे ताकि ये जले नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। इसे भी मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। इस समय गैस का फ्लेम स्लो ही रखिए। अब इसमें डाल देंगे हल्दी, गरम मसाला, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बस थोड़ा सा मसाला, इसे मिला देंगे। मिला के इसे अच्छे से ढक देंगे।
एक बार चेक कर लेंगे। अभी आलू थोड़े पक चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे तोरी। इसे भी मिलाएंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो इसे ट्राई करिएगा। इसे ढक के एक बार और देख लेंगे। अब तोरी ने पानी छोड़ दिया है, फिर से मिला देंगे। आलू पक चुके हैं, पर थोड़ी देर इसका पानी जलने तक पका लेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे ढक के रख देंगे साइड में और बना लेंगे रोटियां। आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। रोटियां बनाते वक्त ध्यान दीजिए कि एक तरफ कच्चा हो और एक तरफ उसे थोड़ा सा पका ले, तो इससे रोटियां अच्छी फूल जाती हैं। जैसे कि अभी ये ऊपर की तरफ कच्चा है। और दूसरी तरफ हल्के से पक चुका है, तो अभी रोटियां अच्छे से फूल जाएंगी। बस ऐसे ही मैं अपनी सारी रोटियां बना के तैयार कर लूंगी। तो रोटियां हो गई हैं तैयार, और ये रही मेरी आज सिंपल सी थाली। इसी के साथ हम आ गए वीडियो के एंडिंग में। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।